What's up readers, welcome back to another episode. In this video I talk about how to create this back transition like this. What do you तो ये बैक ट्रांजिशन का एपिसोड 2 होने वाला है एंड अगर आप लोग एपिसोड 1 को नहीं देखे तो जाके चेक कर लेना, वो भी इससे भी खतरनाक है। एंड हाँ, इसके बाद जल्दी ही एपिसोड 3 भी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वरना चला जा भोसड़ी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी। तो इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए जितना भी मटेरियल्स लगेगा लाइक बैक क्लिप्स सॉन्ग, उसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल पे, जाकर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अभी देख लेते हैं मैं किस तरीके से अपना क्लिप्स को ऐड किया। सो गाइस, ये जो सॉन्ग रहेगा इस पे बीटमार्क को ऐड करना बहुत ज्यादा इजी है एंड क्लिप्स को भी ऐड करना बहुत ज्यादा इजी है, तो इसलिए मैं इसको पहले से करके रखा था क्योंकि मुझे पता है यार क्लिप्स एंड बीटमार्क को ऐड करना हर एक नोबड़ को आता है। तो फास्ट बीट यहाँ से शुरू होगा, आपको इस वाला क्लिप में चला जाना है, एक इन में एंड एक आउट पे की फ्रेम ऐड कर लेना है। ठीक है, आपको इन वाला की फ्रेम में चला जाना है एंड इसको आपको जूम कर लेना है लाइक इतना तक, एंड इसका आपको ग्रास में चला जाना है। ग्रास पे आपको कस्टम पे चले जाना है, एडिट पे चले जाना है एंड ये वाला डॉट को यहाँ पर रख देना है। देन यहाँ पर एड बीट पे क्लिक कर लेना है एंड ये वाला बीट को यहाँ पर रख देना है। ठीक है, तो ये वाला सेम टू सेम आपको हर क्लिप्स में कर देना है। पहले आपको एक की फ्रेम ऐड कर लेना है, देन यहाँ पर भी एक की फ्रेम ऐड कर लेना है। इन वाला की फ्रेम में चले जाना है, इसको जूम कर लेना है, चले जाना है इसका ग्राफ्स में एंड ग्राफ्स में जाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि की फ्रेम में नहीं रहना है। ठीक है, नहीं तो ग्राफ्स नहीं ऐड होगा। सो इसको ऐड करने के बाद आपको फिर से फास्ट वाला क्लिप में चला जाना है। ठीक है, एंड यहाँ पर आने के बाद आपको चले जाना है इफेक्ट्स में एंड इफेक्ट में जाने के बाद आपको वीडियो इफेक्ट में चला जाना है एंड देन यहाँ पर चले जाना आपको नाइट क्लब में एंड यहाँ पर देखा देखा आपको सेक, तो सेक के ऊपर क्लिक करना है, आपको फास्ट में ही मिल जाएगा सेक। देन इसका कुछ छोटा कर लेना है लाइक कितना तक एंड उसके बाद इसका इन एंड आउट में एक की फ्रेम को ऐड कर लेना है। इन वाला की फ्रेम में चला जाना है, इसका स्पीड को रख देना है 15 के आसपास, इंटेंसिटी को रख देना है 15 के आसपास, दोनों की 50 के अराउंड रख देना है। ठीक है, देन इसका आउट वाला की फ्रेम में चला जाना है एंड इसको आपको जीरो कर देना है एंड इसको आपको कॉपी करके हर एक क्लिप का आगे ऐड कर देना है। एंड अगर आपका भी इस तरीके से कुछ आता है तो समझ लेना जो तुम इफेक्ट कॉपी करके ऐड कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे नंबर क्लिप्स में रहना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर ये हो गया, अगर ये वाला इफेक्ट थोड़ा सा पार्ट इस वाला क्लिप में रहेगा ना तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको भी ऐड करने के बाद आपको फिर से चला जाना फास्ट में, फास्ट में आने के बाद आपको चला जाना फिर से वीडियो इफेक्ट में एंड उसके बाद आपको चले जाना है डिस्टोरेशन में एंड यहाँ पर देखा देगा आपको रिपल डिस्टोरेशन, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, द राइट पे क्लिक कर देना है एंड इसको आपको छोटा कर लेना है एंड इसका आपको फास्ट में एक की फ्रेम ऐड कर देना है, लास्ट में भी एक की फ्रेम ऐड कर देना है। देन जो इन वाला की फ्रेम रहेगा इसका शार्पन एंड ब्लर को जीरो कर देना है एंड देन इसका जो साइज रहेगा उसको रख देना है 50 के आसपास, स्पीड को रख देना है आपको 20 के आसपास, इंटेंसिटी को भी रख देना है 20 के आसपास, देन जो ट्विस्ट रहेगा उसको भी रख देना है आपको 30 के आसपास। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो आउट वाला की फ्रेम रहेगा उसको आपको जीरो कर देना है। ठीक है, जितना भी इसका टूल्स रहेगा देन आपको राइट पे क्लिक कर देना है एंड इसको आपको सेम टू सेम कॉपी करके हर एक क्लिप्स को आगे इसको ऐड कर देना है। सो इसको ऐड करने के बाद आपको और एक इफेक्ट अप्लाई कर देना है। ठीक है, चले जाना है वीडियो इफेक्ट में एंड यहाँ पर चले जाना है रेट्रो में। ठीक है, नीचे इसको कर लेना है एंड यहाँ पर दिखा देगा आपको ब्लू एज, तो इसको आपको पूरा वीडियो में ऐड कर देना है एंड इसका एडजस्ट में चले जाना है। ठीक है,